हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रश्न का बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक में ये क्वेश्चन दिया है। बहुलक का प्रश्न है, विकेटों की संख्या दिया है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 दिया है। ये विकेटों की संख्या है, ये वर्ग अंतराल है जिसमें ये निम्न सीमा को प्रदर्शित करता है और ये उच्च सीमा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें गेंदबाज की संख्या दिया है 4, 5, 16, 12, 3 और 2। तो इस प्रश्न का बहुलक निकालने का सूत्र ये होता है दोस्तों, याद रखना, L+F1-F0 / 2F1-F0 - F2 × H। तो इसमें L, F1, F0, F1 और F2 और H है क्या, इस सारणिक में देखते हैं। फिर जो भी इन सब का मान निकलेगा इस सूत्र में रख कर बहुलक को निकालेंगे। आइए देखिए दोस्तों, गेंदबाजों की संख्या में जो भी आंकड़ा दिया रहता है उनमें सबसे बड़े आंकड़ों को देखना है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 16 है। तो इसको आप लोग ऐसे घेर लेना, ठीक है, सबसे बड़ा आंकड़ा को ही घेरना है। ठीक है, तो इसमें 16 सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब देखिए, यही जो 16 है इसका वर्ग अंतराल को देखना, यहाँ पर ये निम्न सीमा ही L का मान होगा, इस L का मान, ठीक है, तो L का मान कितना मिला, 100 मिला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर F1 है क्या चीज़, यही सबसे बड़ी आंकड़ा जो है वही F1 का मान है। ठीक है, वही किसका मान है, F1 का मान है। F1 का मान कितना है, 16 है। अब देखिए दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर वाला मान, बड़ी आंकड़ा का ऊपर वाला मान, ठीक ऊपर वाला मान जो होता है वही F0 का मान होता है। F0 का मान कितना है, 5 है। ठीक है, अब जो बड़ी आंकड़ा है उसके नीचे वाला मान जो होता है वह F2 का मान होता है। किसका मान होता है, F2 का मान 12 मिल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए इस सूत्र में H का मान। H होता है वर्ग अंतराल, मतलब इस निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितने का अंतराल है। तो देख लिए, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। तो इसमें देखने पर पता चल रहा है कि इसमें 50-50 का अंतराल है। ठीक है, तो यहाँ पर H का जो मान होगा वह 50 है। ठीक है, तो इस सूत्र में सब का मान मिल गया है और इस सूत्र में सभी मान को पुट अप करके हल करेंगे, वही बहुलक होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। L का मान यहाँ पर रखो, बहुलक करके, बहुलक है ना, L का मान कितना है, 100 है, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान 16 है, माइनस F0 का मान 5 है, अपान 2F1, F1 का मान 16 है, माइनस F0 का मान 5 और F2 का मान 12 है, -12। मान को रख दिया, गुणा में H का मान 50 रखना है। ठीक है, इसको हल करना है दोस्तों, तो हल करो, 100 + 16 में 5 घटेगा तो 11 आएगा, 11 / 16 = 32 होगा, -12 - 5 तो -17 होगा, / 50। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये मिलेगा 100 + 11 / 5, देखो 32 में 17 घटेगा तो 32 में 17 घटने पर 15 आता है, 15 × 50। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, इसको कटा दो, ये जो है 5 से कटेगा, 5 × 15 और 5 × 50। ठीक है, 5 × 50, अब इसको लिखा जा सकता है, 100 + देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 11 × 10, तो ये हो जाता है 110/3। अब इसको आगे हल करेंगे तो 100 + 3 से डिवाइड करो, ये 3 × 3, ये 3 × 9 बच गया 2, तो 20 बन गया, तो 3 × 6 = 18, फिर 2 बचेगा है ना, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 20 बन गया, 3 × 6 = 18, ये ऐसा आता जाएगा, मतलब 36.66, तो ये 36.66 आ गया। अब इसको 100 में जोड़ेंगे 36.66 को, तो ये आ जाता है 136.66। तो इस प्रश्न का बहुलक क्या मिल गया दोस्तों, 136.66। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।